नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारक और सबसे बड़ी बात कि भारतीय राजनीति के उन विरले नेताओं में से कुछ जो बहुत मीठा बोलते हैं, प्रहार भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको सुना जाए। शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो चुनाव लड़ रही है, अभी मैं ऊपर दार्जिलिंग के इलाके से नीचे आया हूँ, सिलीगुड़ी से आगे हम किशनगंज की तरफ बढ़ रहे हैं, तब ये हमारी बातचीत हो रही है, क्या उम्मीद लग रही है आपको पार्टी के लिए? देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। खासकर नॉर्थ बंगाल में मैं इधर प्रचार में कूदा हूँ, कल भी मैं उन सब इलाकों में था और अभी भी आपके साथ मैं सभा में जा रहा हूँ। आगे चकलिया में मेरी सभा है, चोपड़ा में मेरी सभा है, और मैं देख रहा हूँ कि लोगों में रिस्पॉन्स है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। दीदी को लोगों ने दीदी मान के, अपनी घर की बेटी मान के वोट दिया था, लेकिन दीदी दीदी नहीं रही, पीसी हो गई, यानी बुआ हो गई, वो भी अभिषेक की बुआ हो गई। यहाँ के आवाम, जो बंगाली मानुष, अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। उसको लगता है कि जिस दीदी को हमने बनाया था वो तो दीदी है नहीं, दीदी सादगी में रहते हैं, उनके लोग कटमा नहीं ले रहे, उनके लोग डेवलपमेंट नहीं करने दिया, उनके लोगों ने रोज़गार नहीं दिया, दीदी ने यहाँ के लोगों की उम्मीद को तोड़ दिया है। कम्युनिस्टों को हटा कर दीदी यहाँ पर आई थी और जिस तरह से दीदी ने लोगों को उम्मीद जगाई थी वो पूरी तरह फेल हो गई है। लोगों को उम्मीद सिर्फ बीजेपी से, कांग्रेस के लोग तो घर में बैठ गए थे, ये जो कम्युनिस्ट वाले, इन्होंने तो झंडा हटा दिया था, नेम प्लेट हटा दिया था। अगर बंगाल में अन्याय के खिलाफ कोई लड़ा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़े हैं, शहादत दी है। अब दीदी कह रही है खेला होगा, खेला क्या होगा, पहले ही पैर तोड़ के स्ट्रेचर पर बैठ गई खुद ही, और कटमनी का खेला नहीं होगा, कोयला चोरी का खेला नहीं होगा, अब यहाँ परिवर्तन का खेला होगा। परिवर्तन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम बंगाल के लोगों को रोज़गार देंगे, उद्योग लगाएंगे, बंगाल को सुनार बंगला बनाएंगे, इस मुद्दे पर हम वोट मांग रहे हैं। ये बिल्कुल आपके अपने दावे हैं, लेकिन शहनवाज जी, कल मैं सिलीगुड़ी में कुछ व्यापारियों के साथ बैठा था और ये माना जाता है कि जो व्यापारी वर्ग है वो बीजेपी का एक सपोर्टर है। जब उनसे हम बातचीत कर रहे थे तो उनमें दो मुद्दों को लेकर के नाराज़गी थी, दोनों पे आएंगे, लेकिन पहला मुद्दा उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो कर रही है जो अभी तक नहीं हुआ, वो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति। इसका आरोप आप लोगों पर लग रहा है पश्चिम बंगाल में, क्यों कर रहे हैं ऐसा अगर जीत रहे हैं आप लोग जैसा आप कह रहे हैं तो? विकास जी, कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, हम बंगाली मानुष का वोट चाहते हैं, दीदी बांग्लादेशी और रोहिंग्या का भी वोट चाहती, अंतर ये है। जो भारत की मिट्टी का मुसलमान है, जिसके पुरखे यहीं के हैं, जो इसको जननी मातृभूमि मानता है, जो मादरे वतन मानता है, उसके न हम खिलाफ थे, न हैं, न रहेंगे। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पे। हिंदू मुसलमान तो दीदी ने किया, दुर्गा पूजा का जुलूस नहीं निकलेगा, जय श्री राम कोई कह दिया उस पर एतराज है। भाई, कोई अव्यक्ति जयराम जी की बोले, नमस्ते बोले, सत श्री अकाल बोले, सलाम अलैकुम बोले, इसमें कहाँ दिक्कत है? अगर अभिवादन में किसी ने जय श्री राम कर दिया, बीजेपी का विरोध करते करते दीदी राम के भी खिलाफ हो गई, राम जी ने क्या बिगाड़ा है दीदी आपका? नहीं, वो तो कह रही कि राम तो हमारे भी आराध्य हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जय श्री राम कह के उनको चिढ़ाते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उनको चिढ़ाया गया। भाई, दीदी भी बोले जय श्री राम, क्या दिक्कत है? यहाँ नेता की जय हो रही है, राम जी की जय नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? हर जगह होता, गांधी जी ने तो लास्ट शब्द हे राम बोला था, तो कोई राम शब्द क्या विवादित है इसे? क्या ये इस तरह की राजनीति उन्होंने की? तो हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब दीदी 10 साल हो गया, दीदी थक गई है। अभी मैंने देखा, दीदी से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं। वाजपेयी सरकार में जब वो रेल मंत्री थी तो मैं हवाई जहाज़ का मंत्री था, कैबिनेट में हम दोनों साथ थे। दीदी बहुत अच्छी इंसान के तौर पे हम उनको देखते। अब तो दीदी 10 साल हो गया, नहीं कर पाई, अब आराम करें। और दीदी बहुत अच्छी पेंटर है जी, दूसरा तो पेंटिंग बनाए। अब दूसरा आरोप ये भी लगता है, जैसा अभी आप कह रहे थे कि आप बहुत मानते हैं, लेकिन ये आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दों की बात ना करके दीदी पे, मतलब ममता बनर्जी पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। एक तरफ आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, हम तो कहते हैं दीदी है, प्यारी दीदी,
अपनी दीदी अब आराम करो, पीएम भी कहते हैं दीदी। नड्डा जी को उन्होंने क्या कहा, नड्डा चड्डा पड्डा। लेकिन नड्डा जी भी क्या कहते हैं, दीदी। ये दीदी से दीदी बोलते हैं तब भी ऐतराज, जय श्री राम बोलते हैं तब भी ऐतराज। कोई भी बीजेपी के नेता ने उनका अपमान नहीं किया, हम लोग तो प्यार से कहते हैं दीदी अब आराम करो। पहले आप पूरे बंगाल की दीदी थी, हम सब की भी दीदी थी, अब आप पीसी हो गई, बुआ हो गई, वो भी अभिषेक की। बंगाल के नौजवान ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, अब दीदी को पैकिंग कर लेनी चाहिए। बीजेपी आएगी, हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। चलिए, अब चुनाव से इतर जो अभी का सबसे बड़ा मुद्दा है शहनवाज जी, आप जानते हैं, वो है कोरोना का जो एक लहर, जो कोरोना की अगली लहर आई है, जिससे पूरा देश एक तरीके से प्रभावित है। पश्चिम बंगाल में भी बहुत तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। आप केंद्र की सत्ता में भी हैं और आपकी पार्टी की रैलियों में, या मैं अमित शाह जी के रोड शो में था, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बाकी चीज़ों का तो बिल्कुल पालन नहीं हो रहा, तो ये आप लोगों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है इसकी। मैं, आपने तो ललन टॉप को चलते हुए पकड़ा मुझे और देखा मैं भी मास्क लगाए बैठा हूँ, मेरे ड्राइवर भी लगाए बैठे। हम लोग तो अपने तौर पे पूरा प्रिकॉशन लेके कर रहे हैं, कोरोना का खतरा है, सोशल डिस्टेंसिंग का। क्या चुनाव इतना जरूरी है यूपी में, पंचायत चुनाव को लेकर के बात चल रही है, रोक देना चाहिए? लोकतंत्र में लोकतंत्र भी जरूरी है और कोरोना से बचाव भी जरूरी, चाहे लोगों की मौत होती रहे। नहीं, मौत ध्यान रखना है एकदम से, नहीं रखा जा रहा सर, हाई कोर्ट ने कहा है। नहीं, ध्यान रखना चाहिए। हम लोग तो अपनी सभा में, आप हमें, मेरी सभा अभी चकोलिया में है 11 बजे, अभी देखिए वहाँ पे एकदम मंच पे बिना मास्क का कोई नहीं मिलेगा, हम कोई फूल माला भी नहीं ले रहे, हम तो सादगी से जा रहे हैं। अभी तो इस यात्रा में आप किशनगंज क्रॉस करेंगे, जो हमारी, जहाँ से मैं पहली बार 99 में जीता था, और जब से बिहार में उद्योग मंत्री बना हूँ तो पहली बार वहाँ इसी रास्ते, क्योंकि प्रचार में जाना है आधा बंगाल फिर बिहार, और वहीं बंगाल में किशनगंज में हमारा जो थानेदार था उसको गुंडों ने लिंचिंग करके मार दिया, तो अभी हम किशनगंज भी पहुंचेंगे, वहां भी आप देखिएगा कि सब लोग मास्क लगाए रखेंगे। यहाँ पे आते हैं, फिर उत्तराखंड पे चलते हैं, कुंभ हो रहा है और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, नए नवेले मुख्यमंत्री, उनका बयान आया कि कुंभ की तुलना जो है वो दिल्ली में जो जमात का वो हुआ था उससे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बंद कमरे में हुआ था, कुंभ खुले में हो रहा है, जबकि कुंभ में कई मामले कोरोना के आए हैं, इस तुलना से कितने सहमत हैं आप? नहीं, कोई तुलना करना सही नहीं है, लेकिन ये सही है कि कुंभ में भी ध्यान रखना चाहिए और पूरी सख्ती की जा रही है कि कुंभ में ध्यान रखा जाए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इस बात का ध्यान रखा ही जा रहा है। नहीं, लेकिन बीजेपी के एक मंत्री के तरफ से, मुख्यमंत्री के तरफ से, माफ़ कीजिएगा, ये इतना पुराना मामला जमातियों का जो मामला था, जिस पे कोर्ट्स के फैसले आ चुके हैं, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, और कोर्ट्स अपने फैसलों में कह चुकी है कि वो वैसा मामला नहीं था जैसा उसको मीडिया के एक तबके ने बढ़ा करके दिखाया, तो उस पर आप क्या कहेंगे, इस बयान पर आपकी क्या राय है? देखिए, मीडिया ने जिस तरह के शब्द तबलीग जमात को के लिए बोला था, तो मुझे भी उस शब्दों से सहमति नहीं थी, क्योंकि उसके वजह से कई मुस्लिम भाई प्रताड़ित हो गए और सब्जी वाले हैं। एक वर्चुअल मीटिंग में था मैं खुद, तो हमारी एक एनजीओ ने बुलाया था, तो एक महिला ने पूछा मेरे से कि भाई साहब, एक मुसलमान सब्जी लेके आता है, उससे खरीदें कि ना खरीदें? मैंने कहा, एक मुसलमान से ही बात हो रही है आपकी, यानी फियर पैदा किया। ऐसा नहीं है कि, जैसे लोकतंत्र के सारे खंभे हैं, मीडिया भी एक खंभा है, उसको जिम्मेदारी पर कई जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके मन में ये रहता है कि मीडिया ने सही रोल उस वक्त अदा नहीं किया। मीडिया के अलावा बीजेपी के कुछ नेताओं का भी हाथ था उसमें? नहीं, बीजेपी के नेता ने, वो तो बयानबाजी में, बयानबाजी होती रही, प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, हम तो नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं, वो जो कहते हैं हम उसी को फाइनल वर्ड मानते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का जो बयान है, अमित शाह जी का बयान है, और वो है, हमारी पार्टी इतनी बड़ी है कि बयान में अब क्या कीजिएगा, कई जगह कुछ बयान आते हैं जिससे पार्टी को भी नुकसान हो जाता है, लेकिन जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं या पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेम्बर हैं, वही तो पार्टी की तरफ से बयान देते हैं, तो वो दुखद था। अभी भी इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सवाल ये है, चलते रहना चाहिए चाहे कोरोना वहाँ से फैले।
अब कुंभ के बारे में मैंने, क्योंकि मैं इधर प्रचार में हूँ, ज़्यादा खबर नहीं देखा हूँ और मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया है। तो कैसे सूचना कैसे पाते हैं शर्मा जी? मैं वो ललन टॉप की न्यूज देखता रहता हूँ और उसी से खबर पूरी मिल जाती है। चलिए अब थोड़ा सा कुछ बीबीसी देख लेता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ और ट्विटर पे देखता रहता हूँ, क्योंकि जितनी खबर होगी वो सब ट्रेंड करती है। अब मैं तो पहले से, आपको पता है, बिहार के चुनाव में मैं पॉजिटिव हो गया था। अभी भी मेरी मिसेज पॉजिटिव हैं, एम्स में हैं, तो लेकिन फिर भी पार्टी का प्रचार है, पार्टी का हुक्म है, बजा रहे हैं। केरल गया, आसाम गया, बंगाल में भी हैं, तो काम भी जिम्मेदारी है। अच्छा एक चीज़, चलिए यहाँ पे एक मानवीय सवाल पूछते हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आपकी पत्नी पॉजिटिव है लेकिन पार्टी का प्रचार है, हम लोग भी अपनी ड्यूटी पे निकले हुए हैं, घर से निकलते हैं तो कहीं एक डर परिवार के सदस्यों के द्वारा कुछ कहा जाता है, बच के जाइए, ध्यान रखिए, या आप मन में भी कुछ होता है लोगों से मिलते जुलते हुए किसी तरीके का? मेरे परिवार के लोग मेरे से बहुत असहमत रहते हैं कि मैं बहुत रिस्क लेता हूँ। मैं ललन टॉप को पहला इंटरव्यू मैंने दिया था कश्मीर में, जब सुरेश जी ने मेरे से जी। वो नाव पे बैठ के जब आप लोगों ने बात, नाव पे भी और नहीं, आतंकियों का जहाँ गढ़ था, कुका पाड़े का इलाका था, उन सब में भी जाके मैंने सभा की, तो ललन टॉप को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी भीड़ हमारी सभा में आती। 5,000 से ऊपर लोग थे जी। और 5,000 मतलब कश्मीर में आना, आप समझ रहे हैं जी जी। और तो वो उन्होंने देखा, पूरी बातचीत की थी, तब भी मैं निडर होकर काम करता हूँ, तो वहाँ भी काम किया और कमल खिलाया। तो पार्टी जिम्मेदारी देती है, ऐसे तो मैं बिहार में इंडस्ट्री मिनिस्टर हो गया हूँ, लेकिन पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ, जहाँ 10 लोग मेंबर हैं, पीएम साहब और अमित शाह जी और राजनाथ जी, नड्डा जी के साथ वहाँ हूँ। स्टार प्रचारक बनाया पार्टी ने केरल में, बंगाल में, आसाम के अंदर, पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, और बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे इसके लिए काम कर रहा हूँ। बड़ा चुनौती वाला काम मिला है, उसको भी कर रहा हूँ। अच्छा ये सवाल, हालांकि आपने वो टाल दिया, चलिए मैं थोड़ा सा बिहार पे आता हूँ। आप बिहार से हैं, बिहार के उद्योग मंत्री बनाए गए, अभी बिहार में आपकी वापसी हुई है, बिहार में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पटना के एम्स से जो वीडियोस आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। शहनवाज जी क्या कहेंगे इसको लेकर के? नहीं, बड़ा दुखद है, बिहार में कई आईएएस की डेथ हुई है, अभी जो पंचायती राज में थे उनकी डेथ हुई, अभी फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो एकदम क्रिटिकल हैं, हॉस्पिटल में हैं, और बहुत से ऑफिसर, बहुत से नेता, आम लोग, सब लोग बहुत परेशान हैं वहाँ बिहार में। नीतीश कुमार जी उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, कैबिनेट की भी एक बैठक थी, उसको वर्चुअल कर दी थी, विकास मिशन की मीटिंग को। और बिहार में क्योंकि बड़ी तादाद में जब पैनिक होता है तो बिहार लौटने लगते हैं लोग, तो हमने उनसे कहा कि आप हर जगह कोरोना है, जहाँ रहें ठीक से रहें, तो पैनिक ना हो, ऐसी अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री आप ही के पार्टी के हैं, मंगल पांडे जी? हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी मेहनती हैं अपने तौर पर। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल, स्थिति ठीक नहीं है बिहार की? नहीं, देखिए कोरोना की तो स्थिति हर जगह अच्छी नहीं है, और कोरोना जिस तेज़ी से बढ़ा है इसमें कोई भी मंत्री अपने तौर पर कोशिश करेगा ही, मंगल पांडे जी भी अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद ही कमान संभाले हुए हैं, और हम दुआ करते हैं कि हमारे बिहार के लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें। ललन टॉप जो लोग देखते हैं उनसे अपील है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ सेनेटाइज करें और हाथ धोते रहें साबुन से, और सेल्फ लॉकडाउन करें अपना, यानी घर में रहें, ज़रूरत हो तभी निकलें। सरकार ही जिंदगी नहीं बचा सकती, खुद बचना होता है। कोरोना ऐसी बीमारी है जिससे खुद बचना होता है। ललन टॉप का इंटरव्यू है और हम लोग मास्क पहन के कर रहे हैं, क्योंकि बचने के लिए कर रहे हैं, कोई चेहरा दिखाने के लिए जान जोखिम पर नहीं डाला जा सकता है। बिल्कुल, एक चूंकि ये बातचीत हालांकि चुनाव के बीच में हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले एक आपका एक वीडियो आया था, बहुत छोटा सा वीडियो था, बिहार की जो विपक्षी पार्टी है आरजेडी ने उसको बढ़ा चढ़ा के शेयर किया था, जिसमें आप फोन पे किसी अधिकारी से बात कर रहे थे, वो क्या था उस पर अगर आप कह दें, वो पूरी स्थिति साफ हो जाए? कुछ नहीं था, एक मोहल्ले का जिक्र था जहाँ मकान का, कोई ऐसा नहीं, आरजेडी वाले तो ऐसे ही बात करते रहते हैं, वो उनको कोई मुद्दा नहीं मिला तो वही मिला। एक दिन मैंने असेंबली में कह दिया कि मैं एक नेता ऐसा नहीं हूँ जो इधर से सोना मक्का डालोगे तो उधर से
सोना निकलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इथेनॉल पॉलिसी हमने बनाया और आपको पता है कि बिहार इथेनॉल का हब बनने जा रहा है और बिहार में करीब हमारे पास 5,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव सिर्फ इथेनॉल में आ गए और बड़ी तादाद में लोग इथेनॉल बनाने आ रहे हैं, क्योंकि मक्का से और टूटे चावल से, सरे अनाज से इथेनॉल बने। जगह जगह हम फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, बिहार में उद्योग का माहौल बन गया। उसमें एक वीडियो था जिसमें मैंने कहा कि अगर इधर से मक्का डालोगे, इधर से चावल डालोगे, इधर से शुगर केन डालोगे तो उधर से रुपया और डॉलर निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी शायद वैसा कह दिया, लेकिन मैंने तो जानबूझ के कहा, यानी अगर इथेनॉल, उसमें कुछ घर की बात हो रही थी, नहीं घर वाली बात तो वो तो खत्म हो गई, कोई ऐसी बात नहीं उसमें, कुछ ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा चलिए मुद्दे पे आते हैं, चलिए ललन टॉप का इंटरव्यू है, शहनवाज हुसैन जी हैं सड़क के बीच में, महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करते हैं। आप बिहार के उद्योग मंत्री हैं जैसा आपने खुद बताया, और आप हैं और वरिष्ठ नेता हैं, मुझे ये बताइए कि बिहार के लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूँ कि आज शहनवाज हुसैन जी ललन टॉप के इंटरव्यू में ये बताएं कि अगले 4 से 5 साल में आपकी क्या प्लानिंग है बिहार में उद्योग को लेकर के, और जो लड़के बिहार में नौकरी चाहते हैं उनके लिए क्या संभावना है, इस बात की आप घोषणा करें, बताएं इस बारे में। देखिए ललन टॉप बिहारी बहुत देखते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ भी बिहार के लोग हैं मैं उनको ललन टॉप के ज़रिए एतमाद दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए। शाहनवाज हुसैन 1999 में भारत सरकार मंत्री था, अभी आप किशनगंज पहुंचेंगे वही इलाका ने हमको जिता के भेजा था, और वो आज हमें मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी का हुक्म आया, उन्होंने कहा जाओ कश्मीर, तो कश्मीर गया, कमल खिलाया। उनका हुक्म हुआ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे फ़ोन किया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपको MLC बनना है जी, और आपको बिहार जाना है। मैंने हुक्म माना, फिर मुझे फ़ोन आया कि आपको उद्योग मंत्री बनना है। मैंने तो पार्टी का हुक्म है, तो मैं केंद्र की राजनीति में था, लेकिन यहाँ भेजा, और यहाँ भेजा तो केंद्र से हटाया नहीं, केंद्र में तो मैं कर ही रहा हूँ, अब आसाम केरल बंगाल भी घूम रहा हूँ, पार्टी के प्रवक्ता का भी काम कर रहा हूँ, लेकिन ये काम चुनौतीपूर्ण काम है। बिहार में उद्योग लगे, श्री बाबू के ज़माने में बिहार नंबर 2 नंबर 1 राज होता था उद्योग के मामले में, उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस के राज में, फिर लालू जी के राज में, और हमारे राज में भी उतना उद्योग नहीं लग सका। अब ये चुनौती बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ा काम है, मैं उस जिम्मेदारी को समझ रहा हूँ, मेरे कंधे पर जो जिम्मेदारी है उसका एहसास है। तो मैंने आते ही इथेनॉल पॉलिसी बना दिया, क्योंकि यहाँ मक्का 40 लाख टन से ज़्यादा होता है, और हमने पॉलिसी बनाई जिसमें 5 करोड़ कैपिटल सब्सिडी, करीब 20 करोड़ हमने ब्याज की सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन चार्ज 0, ये सब डाल के बहुत बड़े तादाद में इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो हम कामयाब हो रहे हैं उसमें, वो काम करने में। हमने मेगा फूड पार्क ले आया मैं मुजफ्फरपुर, वहाँ हल्दीराम वाले आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, और वो कई लोग हज़ारों लोगों को रोज़गार देगा। मैं पेप्सी को, रवि जयपुरिया को हमने जगह दे दिया बेगूसराय में तुरंत। तो मैंने आपने मेरे से पूछा है काजी 5 साल का, मैं तो आपको 100 डेज में रिज़ल्ट नींव की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 100 दिन का भी हिसाब ललन टॉप को दूँ, जिस दिन 100वां दिन पूरा होगा आपको हिसाब दूंगा। तो काम शुरू कर दिया है। बिहार में जब कोरोना काल में जब मजदूर लौटे थे तो आपको पता है 70% वर्कर टेक्सटाइल के थे, ये त्रिपुर से, सूरत से, सब जगह से लौटे थे। टेक्सटाइल में जो आज शर्ट आप पहन रहे हैं ज़्यादातर बांग्लादेश में बनता है, इंडियन कंपनी भी बना रही है। तो बांग्लादेश, बिहार कोई बांग्लादेश से छोटा तो नहीं है, और यहाँ लेबर भी हमारे पास स्किल लेबर है, और वो भी टेक्सटाइल के हैं। तो हम यहाँ टेक्सटाइल का भी हब बनाएंगे, हम लेदर का हब बनाएंगे, हम यहाँ इथेनॉल का हब बनाएंगे, हम यहाँ पर इंडस्ट्री को पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकदम हमने तय किया, उन्होंने पूरा फ्री हैंड मुझे दिया है, क्योंकि मैंने केंद्र में भी उनके साथ काम किया है, वो जानते हैं मेरे काम के अंदाज़ को। तो उन्होंने कहा कि आप उद्योग लगाइए, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, केंद्र से भी पूरा सपोर्ट है। जैसे मेगा फूड पार्क 42 था तो 40 जो है 41 बट गया था, एक बचा था, कई स्टेट लगे हुए थे, लेकिन मैंने एकदम हट करके नरेंद्र सिंह तोमर जी से जी बिहार के लिए ले लिया, और उसमें 50 करोड़ केंद्र देगा, बाकी हम अपना डेवलप कर रहे हैं। तो उद्योग के मामले में बिहार जितना पीछे है उसको, मैं ये नहीं कहता कि नंबर 1 राज्य बनेगा, लेकिन उद्योग के मामले में
पिछले 40 साल में जो काम नहीं हुआ वो एक साल में आपको करके दिखाऊंगा और 100 दिन में पूरा ब्लूप्रिंट बना के दिखाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं शहनवाज हुसैन जी आपको बंगाल और असम और बाकी राज्यों के चुनाव के लिए, और बिहार को लेकर के जो बातें आपने कही, बिहार में उद्योग लगाने को लेकर के जो बातें आपने कही उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ललन टॉप की कोशिश होगी, जैसे आपने 100 दिन कहा, हम 2 साल बाद आपसे मिलेंगे, एक पूरी तैयारी के साथ मिलेंगे और जो काम आप कर चुके होंगे उन पे और जो रह गए होंगे उन पे एक अच्छी सी बातचीत करेंगे, ये भी कह दीजिए। ललन टॉप का 100 दिन पे इंटरव्यू दूंगा। 9 तारीख को मैंने वो ज्वाइन किया था, जिस दिन 100 दिन अगले महीने पूरे होंगे उस पर इंटरव्यू दूंगा, 1 साल पे दूंगा, 2 साल पे दूंगा, और जब पूरी तरह सफल हो जाऊंगा तो ललन टॉप खुद ही मुझे तलाश के इंटरव्यू ले लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको तलाश के इंटरव्यू ले लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं द ललन टॉप की चुनावी यात्रा, शहनवाज हुसैन जी के साथ ये बातचीत, तमाम मुद्दों पे, ये इनकी खासियत है, खुल करके बोलते हैं, हर उस मुश्किल सवाल पे बोलते हैं जिसे सुनने और समझने में आपको बहुत आसानी होती है। ललन टॉप की यात्रा बंगाल के दूसरे इलाकों में जाएगी और लोगों से मिलवाएंगे, जनता की बातें भी आपको सुनवाएंगे। देखते रहिए, मैं हूँ विकास और कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं रूहानी। बहुत बहुत शुक्रिया।